हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्टिव जेएस में बनाएंगे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। कोई भी आपने क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट से डाटा फेच करना है, अपनी अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वाइन जी को। ये बहुत ही टॉप की एक वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसी का डाटा फेच करने के लिए। हम एक फ्री की एपीआई यू प्रोवाइड करवाती है। तो इनका जो डाटा है, ये वाला डाटा हम अपनी वेबसाइट पे जाके फेच करेंगे। तो ये वाला डाटा है बिल्कुल सेम, यहाँ से ही मैंने फेच किया है। कैसे करेंगे एपीआई के साथ वो हम देखते हैं। यूज क्लाइंट लगा लेते हैं सबसे पहले। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। एक हमने पैकेज इंपोर्ट करना है एक्सियस का, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। ये यूज किया जाता है जब हमने एपीआई के साथ काम करना हो, तो इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। एक टर्मिनल ओपन करके इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, टर्मिनल ओपन करो, npm इंस्टॉल, इस पैकेज का नाम लिखो, एंटर कर दो, अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही किया हुआ है, तो इसको यहाँ पे बस छोड़ दो। एक बना लो फंक्शन, फंक्शन का नाम हम ऐसे लगा देते हैं कॉन्स्ट, क्रिप्टो नाम दे देते हैं फंक्शन को। एरो फंक्शन बना लो, इसको एक्सपोर्ट कर लो। डिफॉल्ट जहाँ पे ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ना, इसके बीच एक वेरिएबल बनाओ, नाम इसको दे दो क्रिप्टो डाटा, सेट क्रिप्टो डाटा। यूज स्टेट लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट, इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई वैल्यू नहीं ऐड करनी। एक और कॉन्स्ट बना लो, लोडिंग जी ऑप्शनल है, लेकिन ये हम लगाना, हमने ऐसा कि हमारी वेबसाइट थोड़ी दिखने में प्रोफेशनल लगेगी। मतलब जब भी हमारा डाटा फेच होगा वहां पे मैसेज आ जाए लोडिंग का। आप यहाँ पे लोडर भी एक अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तक डाटा मेरी वेबसाइट पे शो नहीं होता ना, जब तक ये शो नहीं होता तब तक मुझे मैसेज आता रहे लोडिंग का। तो ये हम उसके लिए यूज करेंगे, लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट, इसको ट्रू कर दो। तो अट्रू मतलब ये हमें मैसेज अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यूज इफेक्टर लगाओ, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट फैच कर रहा है डाटा, एक वेरिएबल बना लो, फैच डाटा नाम का बना लेते हैं। असिंक लगाओ, असिंक एपीआई के साथ कैसे काम करना है वो देख लो। ट्राई कैच के साथ लगाएंगे, ये सब मैंने पहले भी करवाया था। एपीआई के साथ काम कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स, उन्होंने रिस्पॉन्स भेजना है, कहाँ से रिस्पॉन्स आना है, अवेट एक्सियस डॉट गेट, यहाँ पे आएगी मेरी आईपी। तो ये आईपी कहाँ से लेनी है, मैंने ये जावास्क्रिप्ट में सेम प्रोजेक्ट बनाया था, तब हमें एपीआई इनकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे मिलती थी, लेकिन अब नहीं है वहां पे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे जिसकी वेबसाइट की आपने एपीआई यूज करनी हो ना, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन पेज होता है। तो यहाँ पे लिखो क्वाइन जी को डॉक्यूमेंटेशन। तो हर एक वेबसाइट का ऐसा ही एक पेज होता है जो स्पेशली हमारे लिए यूज किया जाता है, जो डेवलपर होते हैं उनके लिए डिजाइन किया है। तो ये पेज मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है डेवलपर डैशबोर्ड, यहाँ पे चले जाओ, आपने लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले ही लॉगिन कर रखा है। तो इधर आपके पास एक ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में, यूजर गाइड, तो इस पे क्लिक कर लो। मुझे तो एपीआई जहाँ से ही मिल गई आपने देख लेना, क्योंकि 2 मंथ पहले जब हमने वेबसाइट यहाँ से बनाई थी सेम, तब हमें फ्रंट पेज पे ही पेज एक होता था, यहाँ पे ही मुझे एपीआई मिल जाती थी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते थे एपीआई मिल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है इसको, तो ये अपडेट होती ही रहेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखो 1 साल बाद 2 साल बाद, आपने बस इनके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे चले जाना है। तो यहाँ पर मैं आ गई, मुझे जहाँ पे एपीआई इनकी मिल गई, स्क्रॉल डाउन करो, ये है इनकी एपीआई। अगर आपको एपीआई इनकी ना भी मिले तो आप ऐसे टाइप करके देख लेना, इनका लेटेस्ट वर्जन वो होता है, वही यूज करेंगे हम, B3 मतलब इनका लेटेस्ट वर्जन है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे हम, इसके बाद मैंने लिखना है मुझे चाहिए क्वाइंस, साथ में चाहिए मार्केट्स, सारी के सारी मार्केट्स मेरे पास आ जाएंगी, तो ये हमने साथ में लिखना जरूरी है। कॉमा, कर्ली ब्रैकेट के पीछे इनके कुछ वेरिएबल्स होते हैं इनकी वेबसाइट के, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हमें क्या क्या चाहिए। मुझे एक चाहिए बीएस करेंसी,
अपनी तरफ से नहीं लिखना, ये इनकी करेंसी के नाम है, तो ये आप कुछ और नहीं लिखना, इसकी इसकी जगह ये इनकी वेबसाइट पे जो यूज हुआ है वेरिएबल, उन्हीं वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक मुझे चाहिए मार्केट कैप, मार्केट कैप मुझे यूएसडी में चाहिए। एक चाहिए मुझे पर पेज, अब यहाँ पे आप बताओ एक पेज पे आपको कितनी वैल्यू चाहिए। मुझे 100 करेंसीज एक पेज पे चाहिए, आप 10 भी कर सकते हैं, पेज लिखो 1, एक पेज पे 100 करेंसीज चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 100, ठीक है, तो मुझे चाहिए आप 10 भी लिख दो, 20 लिख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाली ब्रैकेट इसकी खत्म, एपीए की, इधर कर दो सेट क्रिप्टो डाटा, इसके बीच जो भी रिस्पॉन्स आएगा उनका इसको प्रिंट कर दो, जो रिस्पॉन्स भेजेंगे इसके साथ सेट कर दो इस वेरिएबल के बीच। देन सेट लोडिंग, लोडिंग भी साथ में होनी चाहिए, इसको फॉल्स कर दो, क्योंकि डाटा हमारे पास जब आ जाएगा लोडिंग खत्म हो जानी चाहिए। अगर डाटा नहीं मिला कैच लगा लो, एरर आ जाए, मुझे एरर भी दिखनी चाहिए। कंसोल में लगा देते हैं एरर, एरर का मैसेज कुछ भी लिख लो, मैं सिर्फ एरर लिखूंगी, उनको पता चल जाएगा कि कोई एरर है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ लिख जा सकते हैं, एरर फैचिंग क्रिप्टो करेंसी डाटा, ऐसे कुछ लिख लो। देन सेट लोडिंग को कर दो फॉल्स, ये वाली सारी ब्रैकेट यहाँ पे बंद, हमारा जो फैच वाला मेन फैच डाटा फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करो, साथ में एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है ऐसे। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, अब इसको हम शो कराएंगे। उससे भी पहले मैं इसको बता देती हूँ, अगर इफ लोडिंग, मतलब अगर लोडिंग हो रही है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में क्या शो हो जाए, डिव मुझे यहाँ पे लिखा नजर आ जाए लोडिंग, तो यहाँ पे आप लोडर भी लगा सकते हैं, लोडिंग ही जैसे घूमता ही रहेगा, आपकी मर्जी है। मैं सिंपल यहाँ पे मैसेज लिख रही हूँ कि मुझे लोडिंग लिखा नजर आ जाए, मतलब अभी डाटा फेच हो रहा है। तो जहां पर आ जाओ रिटर्न, अब हमने डाटा प्रिंट करना है, एक डिव लगा लेते रहते हैं, H2 में पहले लिख लो क्रिप्टो डाटा, ये हेडिंग रहेगा, साथ में चेक कर लो कोई आउटपुट आएगी कि नहीं, एक बार रिफ्रेश कर ली, अगर कोई एरर हुई तो मतलब हमारी जो एपीआई है वो वर्क नहीं कर रही, तो वो लोडिंग आ गया, देखो ऐसा लोडिंग आया। तो आपकी मर्जी है, जहाँ पे एक लोडर भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास क्रिप्टो डाटा आ गया, अगर ये हेडिंग आ गया आपके पास मतलब आपकी एपीआई वर्क कर रही है। मुझे चाहिए एक टेबल में, डाटा चाहिए, टी हेड, टेबल का जो हेड होगा उसके अंदर एक टी आर टेबल रो बना लो, टी एच टेबल हेडिंग, हेडिंग के बीच में एक नाम लिख देती हूँ इसका, जो नेम, एक नेम, एक सिंबल, एक करंट प्राइस, बस यहाँ पे लिख लो सिंबल, करंट प्राइस, क्रिप्टो करेंसी का जो भी प्राइस चल रहा है वो आ जाएगा। एक हमें चाहिए मार्केट कैप, वो भी यूएसडी में चाहिए मार्केट कैप। अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं, जहां पे चलो टी एच के बाद टी बॉडी पे, मतलब टेबल बॉडी, टेबल की बॉडी पे डाटा शो कराओ, किस में कराना है, टी आर टेबल रो। उससे पहले हम यहाँ पे मैप ऐड कर देते हैं, इधर जिधर भी डाटा शो कराना हो, लिस्ट हो, टेबल हो, यहाँ पे लिखो क्रिप्टो डाटा, हमारा मेन वेरिएबल यही था क्रिप्टो डाटा का, डॉट मैप, एक इसका वेरिएबल बना लो क्रिप्टो, ये मैप वेरिएबल है, एरो फंक्शन, इसके बीच जो टी आर लिखा है हमने, टी आर को इसके बीच लिखो क्योंकि डाटा इसके बीच आएगा, तो यहाँ पे लिखो टी आर, पहला जो टी आर मतलब टेबल रो है उसके बीच की ऐड करो, मैप की के बीच लिखो क्रिप्टो डॉट आईडी, सबसे पहले आईडी आएगी, अब यहाँ पे लिखो, अब वन बाय वन बस आप लिखते जाओ क्या क्या चाहिए, टीडी लिखो, टीडी में मुझे एक चाहिए सबसे पहले क्रिप्टो डॉट नेम, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे अभी एरर है FS, FS हमने किधर लिखा हुआ है, अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, इसको हटा देते हैं, ये अपने आप मेरे पास इंपोर्ट हो गया।
सबसे पहले हमने नाम को फेच किया है, तो मेरे पास सारे नाम आ गए, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपके पास डाटा आना चाहिए सारा। एक बस एक हम सारे एक साथ ही लिख देते हैं। एक नाम चाहिए, एक सिंपल, करंट प्राइस, मार्केट प्लेस, तो आपने यहाँ पे चेंज करना है। सिंपल चाहिए इनके, एक चाहिए करंट प्राइस, एक चाहिए मार्केट कैप। ये वाले वेरिएबल अपनी तरफ से नहीं लिखने, ये उनकी वेबसाइट पे जो यूज होते हैं इन्हीं के साथ डाटा आता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से नहीं कुछ भी लिखना। जहाँ पे मेरे पास पूरा डाटा आ गया, एक बार इनके साथ मैच करके देख लो, मैक्सिमम वही डाटा होता है। बिटकॉइन का चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वही डाटा होता है, ठीक है। ये पूरा डाटा इनका इनकी वेबसाइट से ही आया है। तो बस आपके अगर एपीआई सही है, अगर आपने सही कोड लगाया होगा, आपके पास पूरा डाटा फेच हो जाएगा। इसको डिजाइन करो अच्छा सा, इनकी वेबसाइट की तरह आप इसको डिजाइन कर लो, कलर वगैरह ऐड करो, सिंबल्स भी आप ऐड कर लो, जैसे इन्होंने साथ में सिंबल ऐड किया है, तो आप गूगल से उठा के सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।